ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ना सभी पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, सब में श्रेष्ठ। अब ये श्रेष्ठ बनेंगे किस आधार पर? शिक्षाओं के आधार पर, रोज की समझाने के आधार पर। क्योंकि रोज रोज की समझाने मिलने से, रोज रोज की हमारे ऊपर जो बाबा की मेहनत है, जो हमारे ऊपर इतनी मेहनत करके हमको जो बनाना चाहते हैं, वो है उत्तम पुरुष, कनिष्ठ से उत्तम पुरुष। इतनी मेहनत को देखकर अंदर तो आता ही होगा कि हमें अब बन ही जाना चाहिए, हमें बनना ही है, हम ही बनेंगे। और आज जो समझ बाबा दे रहा है उसको धारण करें, ऐसे पुरुषोत्तम जो आज पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, ऐसे पुरुषोत्तम बनना है। सिर्फ बैठ जाना, क्लास में बैठकर सुन लेना, उससे नहीं बनेंगे। सुनने के साथ समझना पड़ेगा और समझने के साथ धारण करना पड़ेगा, और जो धारण किया है वो व्यक्तित्व में दिखाना पड़ेगा, तब बनेंगे पुरुषोत्तम। फिर सभी कहेंगे हाँ ये उत्तम पुरुष है। कनिष्ठ बने ये सबको पता है, सब देख भी रहे हैं। कलयुग में सब कनिष्ठ हो गए। संगम पर एक चांस मिलता है जब डायरेक्ट परमात्मा आता है, पुरुषोत्तम संगम युग पर। माना संगम युग पर सबको चांस है पुरुषोत्तम बनने का। इसलिए बाबा कई बार कहते कि आप यहाँ किस लिए आए हो, ये भूल तो नहीं जाते कहीं। स्कूल कॉलेज में जाते हैं वो याद रहता है, हम डॉक्टरी करने आए हैं, बैरिस्ट्री पढ़ने आए हैं, क्या करने आए हैं, ये स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है, जिसके आधार पर उनका शौक बना रहता है पढ़ाई। अगर हमारा पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं है तो कहीं अपना लक्ष्य तो नहीं भूल गए कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। बाबा को याद है कि मैं इन्हें पुरुषोत्तम बनाने आया हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं। हमको याद है कि हम पुरुषोत्तम बनने आए हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं। रोज रोज पढ़ना है, रोज रोज समझना है, क्योंकि रोज रोज भूल जाते हैं। 63 जन्मों का देह अभिमान इतना साथ चल रहा है कि रोज रोज ही भूल जाते हैं। समझते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि पुरानी चीजें हावी हो जाती हैं। और फिर सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, ये मत सोचो ऐसा क्यों है, ऐसा सोचो कि करना क्या है अब, क्यों क्या। मैं जाते जाते कोई ना कोई ऐसा पॉइंट अपने लिए रख लेते हैं कि ऐसा इसीलिए है ना, इसलिए ऐसा है। पर अभी तो कितना अच्छा चांस है, डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी हम पर मेहनत कर रहे हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए, पढ़ा भी रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, सिर्फ ध्यान ही तो देना बाकी है। सिर्फ पढ़ना ध्यान से ही तो बाकी है, पढ़ाया तो जा ही रहा है। कहीं पूछते क्या हम बन सकते, क्यों नहीं बन सकते, कब समय आता है, समय नहीं कब जागृति आती है। समय तो आया ही हुआ है, बस जागृति आनी बाकी है। जिस घड़ी आत्मा ये सोच लेती है कि आज के बाद ये कर्म नहीं करना है, उसी घड़ी उससे वो जो विकर्म है वो छूट जाता है और उसके कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों से वो पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। तो बाबा तो पढ़ा रहे हैं, बाबा तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, हमारी फर्ज अदाई क्या है? पढ़ना, समझना, धारण करना, और दूसरों को नजर भी आना चाहिए। अगर देवता बन रहे हैं तो दैवी गुण भी चाहिए। सिर्फ मनुष्य से देवता, मनुष्य से देवता गायन करने से नहीं बन सकते ना। देवता वो जिसके अंदर दैवी गुण हो, कनिष्ठ वो जिसके अंदर अवगुण हो। तो बाबा हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं और हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर ये सदा ध्यान रहे तो दैवी गुणों की धारणा भी अच्छी होगी, और कोई भी विघ्न है वो बड़ा नहीं है, क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी साथ है। ओम शांति।